हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। कसम से गाइस, आज का ये वाला वीडियो तुम सबका दिल बोले तो एकदम गार्डन गार्डन कर देगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं अपने गिफ्ट स्टोर डिस्काउंट इवेंट के बारे में। फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट की जो गैलेक्सी हाइपर बुक है वो अपने को कब तक रिटर्न में देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दिवाली स्पेशल अपने गेम के अंदर लेवल अप शॉप कब तक आ जाएगा और इसके साथ में आपको बताऊंगा अपनी ईवो फिस्ट की स्किन रिटर्न के बारे में। अगर आप लोग कोबरा बंडल का वेट कर रहे हो तो कोबरा बंडल कब तक अपने गेम में आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज गरेना के मालिक चावली ने अपना दिवाली इवेंट का कैलेंडर अपडेट कर दिया है और चावली ने खुद अपने को बता दिया है कि दिवाली स्पेशल गोल्ड रोल 3 में 2 गन स्किन आएगी। आने वाले 10 तारीख को फ्री में मैजिक क्यूब मिलेगा और 12 नवंबर को फ्री में साइथा की स्किन मिलेगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन गन स्किन कैसी है, कैसे इसके एट्रीब्यूट्स है, कैसे मैजिक क्यूब को फ्री में क्लेम करना है और कैसे साइथा की स्किन को क्लेम करना है वो तुम्हारा भाई आज के इस वीडियो के अंदर बताएगा। मजा ही मजा है। हाँ तो यारा ना, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट स्पेशल गोल्ड रोल 3 के बारे में। तो ये अपने गेम के अंदर आने वाले 10 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा। इस स्पेशल गोल्ड रोल के अंदर रहेगी गाइस अपनी एक मस्त सी एक गन स्किन जिसका नाम है वाटर बलून। अगर गाइस आप इसका यूज करोगे तो इसके अंदर गोली के जगह बलून निकलेगे। क्या मतलब कि मैं फेंक रहा हूँ। बाकी गाइस दूसरी गन स्किन रहेगी अपनी वुडन पकौड़ा जिसके एट्रीब्यूट्स वगैरह काफी अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं। वैसे गाइस आपको पता होगा कि तुम्हारा भाई ने तुम्हें पहले ही बोल दिया था, ठीक है, कि नेक्स्ट जो स्पेशल गोल्ड रोल 3 है वो गन स्किन का रहेगा नहीं तो रहेगा बंडल का। बाकी गाइस आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि ये जो अपना स्पेशल गोल्ड रोल 3 है वो आपको कैसा लगा और क्या आप लोग इसके अंदर गोल्ड वगैरह वेस्ट करने वाले हो या फिर नहीं। हाँ तो यार चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर और बात करते हैं 10 तारीख को मिलने वाले फ्री मैजिक क्यूब के बारे में। ये जो गाइस अपना मैजिक क्यूब इवेंट है वो आपको टोटल 3 दिनों के लिए मिलेगा, ठीक है। तो भाई जो भी मिशन देखने को मिलते हैं उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पॉसिबल है गाइस इस इवेंट के अंदर आपको ऐसे मिशन दिए जाए, मानो कि भाई आपको 180 मिनट गेम खेलना है, ठीक है, उसके बदले में आप लोग पूरा मैजिक क्यूब को ले पाओगे। नहीं तो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि सीएस मैच के अंदर आप लोग 10 बुया करो, 15 बुया करो, ठीक है, उसके बदले में आपको मैजिक क्यूब मिल जाए। आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। कुल मिला के गाइस मिशन वगैरह बहुत ही आसान हो गए और आपको पूरा मैजिक क्यूब मिलेगा। वाओ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12 तारीख को मिलने वाली फ्री साइथा की स्किन के बारे में। अगर आप लोगों ने साइथा की स्किन नहीं देखी तो देख लो। मैजिक क्यूब की तरह गाइस साइथा की स्किन का भाई यही कुछ हाल होने वाला है, ठीक है। मे बी पॉसिबल है कि आपको लॉगिन रिवॉर्ड के अंदर मिल जाए, नहीं तो कुछ मिशंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये 3 इवेंट गाइस अपने दिवाली स्पेशल अपकमिंग इवेंट रहेंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोग इनमें से कौन से इवेंट आने का वेट कर रहे हो। चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर और बात करते हैं अपन लोग इवो फिस्ट की स्किन रिटर्न के बारे में। इवो फिस्ट की स्किन के रिगार्डिंग काफी सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। भले ही गाइस मैं आपका रिप्लाई ना दे पाऊं लेकिन मैं आपकी कमेंट को पढ़ता हूं। हां, अगर बात करें कि ये जो अपनी इवो फिस्ट की स्किन कब रिटर्न आएगी तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये जो इवो फिस्ट की स्किन है ना वो अपने फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट के थीम पे है और अपना फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट आने वाले 16 नवंबर के आस पांच स्टार्ट हो जाएगा। हाल फिलहाल गाइस इवो फिस्ट की स्किन को लेकर पॉसिबल अपडेट निकल के आ रहा है कि भाई 16 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में अपने को ये रिटर्न में देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग मुझे इसकी कन्फर्म डेट पूछोगे तो भाई कन्फर्म डेट बोलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुआ है। अगर ये इवो फिस्ट की स्किन आती है तो मे बी पॉसिबल है कि ये आपको फेडल व्हील में देखने को मिल जाए, क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है, बाद में इसे अपग्रेड करनी पड़ती है। लेकिन गाइस आप लोग चिंता मत करो, ठीक है, जैसे फ्री फॉर वर्ल्ड सीरीज इवेंट नजदीक आता जाएगा ना इसके रिगार्डिंग कंफर्म अपडेट मिलती जाएगी तो तुम्हारा भाई तुम्हें बता भी देगा। बाकी गाइस आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि कौन कौन इवो फिस्ट की स्किन रिटर्न आने का वेट कर रहा है ताकि गाइस मैं इसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाऊँ। और गाइस मैंने फिस्ट की स्किन को मुट्ठी बोलाना बंद कर दिया है क्योंकि भाई कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। वैसे गाइस आप लोग सच बताना, ठीक है, फिस्ट की स्किन बोलने में मजा आता है कि भाई मुट्ठी की स्किन, ठीक है, आप कमेंट में बताना मुट्ठी की स्किन।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। हाँ तो याराना चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। दिवाली लेवल अप शॉप इवेंट जो कि अपने हर दिवाली इवेंट में आता है, इस बार अपने दिवाली इवेंट के बंडल के सिवाय अपने को कुछ भी खास देखने को नहीं मिला है। फ्री फायर के जो भी न्यू प्लेयर है उन्हें दिवाली इवेंट काफी अच्छा लगा होगा, लेकिन जो ओल्ड प्लेयर है उन्हें दिवाली इवेंट बहुत ही बेकार लगा होगा, क्योंकि भाई पिछले दिवाली इवेंट के मुकाबले ये जो अपना दिवाली इवेंट है भाई वो कुछ इतना भी खास नहीं है। सच कहूँ तो गाइस मैंने दिवाली इवेंट से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी, ठीक है, लेकिन भाई ये इवेंट उतना कुछ खास नहीं निकला। दिवाली इवेंट के अंदर जो इवेंट निकल के आ रहे ना, ये सारे इवेंट देख के मेरा दिल कहता है कि बेकार है भैया, टूट गया मैं तो, अब टूट गया मैं तो। अच्छा बाकी गाइस रोने का कोई फायदा नहीं है। अगर बात करें अपन लोग दिवाली स्पेशल लेवल अप शॉप इवेंट के बारे में, तो भाई एक बैड न्यूज है कि इस बार अपने को दिवाली के अंदर लेवल अप शॉप देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे गाइस रीजन ये है कि ऑलरेडी अपने गेम के अंदर लकी विल नाम का डिस्काउंट इवेंट आ चुका है और आने वाले टाइम में ल्यूमिनस कार्निवल इवेंट आने वाला है। और गाइस मुझे तो ये भी अपडेट मिली है कि अपने दिवाली विश इवेंट नहीं आने वाले। देखो गाइस मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं आपको वही बताता हूँ जो मुझे डाटा माइनर की तरफ से अपडेट मिलती है, ठीक है, बाकी मैं अपने घर का कुछ भी नहीं बताता। सच में गाइस अगर घर का मालिक चावली भाई मेरे सामने आ गया ना, उसके पीछे सुतली बम फोड़ूंगा और उसकी मैया का सैया पक्का कर दूंगा। ये सब कुछ गाइस ल्यूमिनस कार्निवल इवेंट की वजह से हुआ है, ठीक है, साले ने बीच में आके मुट्ठी मार दी, बाकी सब कैंसिल हो गया। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बाकी चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन लोग गैलेक्सी हाइपर बुक रिटर्न के बारे में। अगर गाइस आप लोग गैलेक्सी हाइपर बुक इवेंट रिटर्न आने का वेट कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग एक अपडेट मिली हुई है। फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट के बाद आने वाला है विंटरलैंड इवेंट, और विंटरलैंड इवेंट में एक हाइपर बुक है जो कि आपको पता होगा। और गरेना का एक बिजनेस है कि जब भी कोई न्यू रिवॉर्ड आने वाला होता है तो उसका ओल्ड रिवॉर्ड वो पक्का रिटर्न में देता है। तो गाइस इसीलिए अपने फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट के टाइम अपने को FFWS की जो गैलेक्सी हाइपर बुक है ना वो रिटर्न में देखने को मिल जाएगी। अभी तो गाइस आप लोग इसे पॉसिबल अपडेट समझो, ठीक है, बहुत जल्द मैं इसके रिगार्डिंग आपको कंफर्म अपडेट दे दूंगा। हाँ आगे और भी इवेंट्स और अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन टाइम हो चुका है अपनी फ्री फायर की एक मस्त सी मीम देखने का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे यार भाई इस वीडियो ने तो मुझे अपने पुराने फ्री फायर की याद दिला दी। अगर गाइस आप लोग फ्री फायर के थोड़े से ओल्ड प्लेयर हो तो ये आपको पता होगा, अगर आप थोड़े से न्यू प्लेयर हो तो इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा। ये अपने ओल्ड फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट की लॉबी है, लेकिन अगर आपको पता है, ठीक है, आपने देखी थी तो भाई कमेंट में बताना। बाकी चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन लोग गिफ्ट स्टोर डिस्काउंट इवेंट के बारे में। तो यार ना गिफ्ट स्टोर डिस्काउंट इवेंट के रिगार्डिंग मुझे एक न्यू अपडेट मिली हुई है। ये जो गाइस अपना गिफ्ट स्टोर डिस्काउंट इवेंट है गाइस वो आने वाले 12 तारीख को आएगा और 13 तारीख तक चलेगा। गिफ्ट स्टोर 15 के रिगार्डिंग भाई बहुत ही सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि क्या उसके अंदर भाई इवोगन के टोकन के क्रेट रहेंगे। तो देखो गाइस इसके रिगार्डिंग मुझे कंफर्म अपडेट नहीं है, ठीक है, मे बी पॉसिबल है कि भाई गरना आपको कोई भी टोकन का क्रेट, ठीक है भाई, डिस्काउंट में ना दे। तुम्हें गाइस पता है, ठीक है, कि तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हें सच बोलता है। अगर कोई इवेंट पॉसिबल है तो पॉसिबल बताता है, कंफर्म है तो कंफर्म बताता है, अगर नहीं आने वाला तो ना कह देता है। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, इसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी कंफर्म अपडेट फ्यूचर में मिलती है तो तुम्हारा भाई पक्का तुम्हें बता देगा। बाकी चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर और बात करते हैं अपन लोग कोबरा बंडल रिटर्न के बारे में। तो यार ना कोबरा बंडल रिटर्न रिगार्डिंग एक बैड न्यूज है, क्योंकि अगर आप लोग इसका वेट कर रहे हो तो मे बी आपको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। सीन गाइस कुछ ऐसा है कि इस
इस मंथ अपना फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और पॉसिबल अपडेट मिली है कि इस मंथ अपना गैलेक्सी इवो बंडल रिटर्न में आने वाला है। यानी गाइस गैलेक्सी इवो बंडल रिटर्न आने वाला है, तो भाई कुछ टाइम के अंदर कोबरा बंडल गरना नहीं देने वाला, ठीक है। आपको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। मे बी गाइस क्या पता कि अपना कोबरा बंडल गरना आपको 2024 के बाद रिटर्न में दे, लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अब कोबरा बंडल रिटर्न अभी के लिए नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपको जानना है कि दिवाली स्पेशल गैलेक्सी इवो बंडल रिटर्न कब आएगा, तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। अपने विंटरलैंड इवेंट 2023 के बारे में फुल डिटेल में जानना है, राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।